वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। रीड वन हम कर रहे थे, यूनिट नंबर 5 का, क्लास 12 इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो रीड वन जो हमने किया था वो था एंट्स। एंट्स में हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे और एंट्स इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। टीम कैसे काम करती है, हमको लाइफ में कैसे काम करना चाहिए, टीम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हमें एक लाइफ लेसन सिखाती है, किस प्रकार से हम और बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे अगर हम अपनी टीम के साथ काम करेंगे, एक टीम एफर्ट के साथ हम काम कर पाएंगे तो हम सभी लोग अपने जीवन के अंदर जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो जो टीम एफर्ट है उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, टीम वर्क, टीम एफर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें एंट्स हमको सिखा दी। और एंट्स के बारे में बहुत ही जानकारी, ऐसी ज़बरदस्त जानकारी जो हमने अभी सोचा नहीं होगा, तो वो भी जानकारी हमको इस राइटर ने देने की कोशिश की। हालांकि इस चैप्टर के अंदर राइटर का नाम कहीं पर भी दिखाया नहीं है, बट ये मुझे लगता है एक प्रकार का एक एक्सर्प्ट है जो कहीं से एक्यूमुलेट किया गया है नेट से, तो हमारे लिए ताकि वो हम उसके बेटरमेंट्स जान पाएँ एंट्स के लिए। मैंने पिछली बार के वीडियो के अंदर एक छोटा सा वीडियो भी ऐड किया था, तो एंट की 6 क्वालिटीज़ उसमें ऐड की थी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और आज का जो हमारा वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद भी मैं एंट की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताऊँगा। तो एंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और भी जानवर क्यों फॉर्मेशंस कैसे बनाते हैं, तो वो सब किन चीज़ों के लिए हम उनकी टीम वर्क से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम इंडिविजुअल हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का पहला रूल है टीम वर्क। सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए हमको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई किसी को डॉक्टरी आती है और वो उसको किसी चीज़ का उपचार करना आता है तो वो दूसरों का उपचार करेगा ताकि सोसाइटी हेल्थी रहे, वो सोसाइटी के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। एक टीचर है तो वो खुद एजुकेटेड है तो दूसरों को एजुकेट करना चाहेगा वो, ताकि वो हमारी सोसाइटी और ज़्यादा एजुकेशन के प्रति सजग हो जाए और हम और ज़्यादा एजुकेटेड, हमारी सोसाइटी मोर एजुकेटेड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक एज अ टीम वर्क ऑफ अ सोसाइटी पर्सन, द पर्सन हु लिव्स इन सोसाइटी हैज गॉट द टेंडेंसी एंड हैज़ टू डू सर्टन थिंग्स टू मेक एन अपलिफ्ट हिज सोसाइटी। अपनी सोसाइटी को कैसे वो अपलिफ्ट करेगा उस बारे में ये चैप्टर है हमारा, द एंट्स। रीड वन में हम आगे बढ़ चुके थे, थोड़े क्वेश्चंस भी मैंने आपको पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस आप काफ़ी के जवाब हमको आ गए थे, पर अब हम यहाँ से थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं तो अब आइडिया भी आ जाएगा, हम वापस वो एंट्स को भूले तो नहीं है। तो एक यहाँ इस पैराग्राफ से मैं फिर से उठा लेता हूँ, सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस ऑफ एंट्स। ऐसा बिहेवियर कि वो एक टीम बना के चलते हैं और एक ऐसी एरे मतलब ARRAY, एरे मतलब एक ऐसी लाइन में चलते हैं कि वो डिसिप्लिन को परम धर्म मानते हैं। जैसे कैसे आर्मी कैसी होती है, कई एंट्स को आर्मी एंट्स भी बोला गया, आपको शायद पता होगा। तो क्यों बोला गया, तो वो आर्मी की तरह ही व्यवहार करते हैं, वैसे उनके सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स होते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एडेप्टनेस दिखाती हैं, सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस। वो कैसे माहौल के अनुरूप ढल जाते हैं, सर्दी गर्मी बारिश ठंडी सब जगह एंट्स अपना काम कर ही लेते हैं। एडेप्टनेस ऑफ एंट्स हैज़ बीन नोटिस्ड, ये नोटिस किया गया है, एंड स्टडीड बाय मैनी, बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, स्टडी किया है। सर्च होता है ढूंढना और रिसर्च होता है उसके बारे में और ज़्यादा अनुभव लेना, तो ये उस बारे में ही। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट एंट लाइफ। अब साइंस ने क्या किया है, डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं अबाउट एंट लाइफ विच सीम टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रीचर्स इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब साइंस ने ऐसा डिस्कवरी किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी हमको प्राप्त हुई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, हमको इससे ऐसे पता चला है, डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट एंट लाइफ विच सीम टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रीचर्स। ये जो छोटे छोटे, जिससे हमको बताया जाता है, ये छोटे छोटे जो जानवर हैं, जो टाइनी क्रीचर्स हैं, वो हमारी मानव बुद्धिमत्ता के बहुत क्लोज में हैं, दे आर वेरी क्लोज टू अस। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। देखो, आपने सुना होगा कि डॉल्फिन जो होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, ह्यूमंस इंटेलिजेंट होते हैं, गोरिल्ला इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, क्रो बर्ड में क्रो बहुत इंटेलिजेंट होता है, हाथी कभी भूलता नहीं है। हाथी को 100 साल बाद आप मिलोगे तो भी वो आपकी आप उसकी मेमोरी और जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। क्रो कभी नहीं भूलता है, क्रो के बारे में बहुत कम लिखा गया है, पर क्रो यानी कि कौवा, कौवा अभी देखने को भी नहीं मिलता, मोस्ट इंटेलिजेंट जानवरों में कौवा है ऐसा माना गया। कौवे के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौवा किस प्रकार का जानवर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंट्स की, विच सीम टू शो दैट इंटेलिजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रीचर्स इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धिमत्ता के क्लोज में है वो।
तो ये कैसे है उसके बारे में बताया जाएगा। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू। अब इसके बारे में भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज हैं, काफ़ी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पर इस व्यू को नहीं मानते। बट यू मे लुक एट सम ऑफ दीज फैक्ट्स एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। पर हमको किसी की बात माननी है ना माननी ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ एक बात के ऊपर थोड़ा यकीन करेंगे और इसको समझेंगे कि हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो हमने नज़र से देखा हुआ, कहते हैं ना नज़र आँखों देखी साँच, हम सत्य को देखेंगे और इस बात को हम ये सत्य को देखकर अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि हम क्या। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो आप अपने हिसाब से मान लेना कि मानव बुद्धिमत्ता के करीब है कि नहीं। ठीक है, दीज आर एंट्स दैट डू फार्मिंग। अब हो ऐसे भी एंट्स हैं जो फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग मतलब खेती, खेती करते हैं, ऐसे एंट्स भी हैं मौजूद। अब वो ऐसे कोई विशेष रेयर नहीं है, कोई मिलते नहीं है, ये नॉर्मल एंट्स है, उनके बारे में बता रहे हैं। यू मे नो दैट दिस इट वॉज अ बिग लीप फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस when man gave up being a full-time hunter and took to farming। ये देखो मानव सभ्यता में भी ऐसा हुआ है, मानव सभ्यता में बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक हम शिकार करते रहे हैं और मांसाहारी रहे, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम मांसाहारी रहे हैं। हम जानवरों को बड़े बड़े वूली मैमथ जिसको हाथी बोलते हैं बड़े बड़े, उनका शिकार करते थे, डायनासोर्स का शिकार करते थे, बड़ी बड़ी बुलक्स भैंसे का शिकार करते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। फिर आग के बारे में नॉलेज हुआ, फिर आग के हिसाब से चलने लगे, फिर जो रॉक एज आई, रॉक एज के अंदर पत्थरों को घिस के उसके और नुकीला बनाने लगे, तीरों का उपयोग करने लगे, हथियार बनाने लगे और ज़्यादा तीखे हथियार, पहले भालों से काम चलाते थे पर और ज़्यादा हथियार हम बनाने लगे। तो ये छोटी छोटी कहते ना, ये छोटी छोटी चीज़ें एक इंसानी सभ्यता के लिए बिग लीप है, बड़ा स्टेप था, तो एक बड़ा कदम मानव सभ्यता के लिए बड़ा कदम था। वैसे ही इनके ह्यूमंस के लिए जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा कि भाई अब हम मांस की इतनी ज़रूरत, हमको मांस इतना खा लिया है कि हमको फार्मिंग करने, हम और भी नेचुरल चीज़ें भी खा सकते हैं, हम मक्की उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं, हम वीट उगा सकते हैं। तो उन्होंने उगाने की ट्राई की कि अब हम खुद उगाएंगे, टुक टू फार्मिंग। ये बहुत ही मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा कदम था। सीमिंगली द अम्ब्रेला एंट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर जंगल हैं बहुत सारे, अमेजॉन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे अम्ब्रेला एंट्स है। अम्ब्रेला एंट्स मतलब ऐसी एंट्स जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला मतलब क्या, छाता। अम्ब्रेला एंट्स ऑफ साउथ अमेरिका हैव टेकन द सेम स्टेप इन देयर स्मॉल वे, अपने छोटे से रस्ते के अंदर, अपने छोटे से जीवन के अंदर सेम चीज़ उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अडेप्ट कर ली है, कोई चीज़ नई चीज़ उन्होंने विकसित कर ली है। दे आर कॉल्ड बाय दैट नेम, उनको उस नाम से इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज दे आर ऑफ्टन सीइंग कैरिंग लार्ज पीसेज ऑफ लीफ, क्योंकि उनको कई बार देखा गया है कि लंबे लंबे पत्ते। अब साउथ अमेरिका के जो जंगल हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट, उसमें लगातार बारिश होती है, वो रेन फॉरेस्ट है। जब बारिश इतनी प्रेसिपिटेशन इतना ज़बरदस्त बढ़ जाता है कि वो लगातार पेड़ों में से पानी रिसता रहता है, पेड़ों में पानी, सुबह बारिश होती है, रात को पर, वो उनका अपना इकोसिस्टम है, 24 आवर्स बारिश होती है। तो वहाँ पे एंट्स को खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक नई चीज़ अपना ली है, कॉल्ड बाय नेम बिकॉज दे आर ऑफ्टन सींग लार्ज पीसेज ऑफ लीफ, बड़ी बड़ी पत्तियाँ अपने सर के ऊपर लेके घूमती, हेड्स लाइक अम्ब्रेला, कैसे अपने छाता, ताकि वो भीग ना जाए। दे टेक दीज पीसेज ऑफ लीव्स टू देयर नेस्ट, और फिर वो छाते छाते की तरह यूज़ करती है, उसको लेके जाती है तब छाते की तरह यूज़ करती है, और उनको कहाँ लेके जाती है, इनको अपने नेस्ट में लेके जाती है, जो उनकी बाम्बी है, जो उनका जो भी जिस एरिया के अंदर वो रहते हैं, उनका जो नेस्ट है उसके अंदर, वेयर दे चीव देम अप नाइसली, फिर उसको अच्छे तरीके से चबा लेती है, उन पत्तियों को अच्छे तरीके से चबा लेती है। आफ्टरवर्ड्स दे मेक बेड्स ऑफ दीज चूड अप लीव्स, फिर उसका बेड बना देती। बेड मतलब कैसे अपन अपना बिस्तर बनाते हैं, तो वैसे इसको समतल कर देती है, ज़मीन के ऊपर समतल बिछा देती है, अच्छी तरह चबा के फिर उसको निकाल के थूक कर और उसको बेड बना देती है, चूड अप चबाई हुई लीव्स को। ऑन दीज बेड्स ग्रो अ काइंड ऑफ फंगस, अब वो जो चबाई हुई उनके थूक में या लार के अंदर मिक्स होकर जब वो पत्ती चबा चबा के थूकी जाती है तो उसके अंदर उसमें से फिर फंगस निकलती है, एक टाइप की फंगस, विच इज़ द फूड ऑफ एंट्स, और वो एंट वो खाती है, एक प्रकार की फार्मिंग कर रही है, वो पत्तों को चबा के फेंक देते हैं, फिर उसमें से हरी हरी जो भी फंगस जो निकलती उसको वो खाते हैं, वाइट कलर की और जो भी किसी भी कलर की होती होगी तो वो उसको खाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, पत्तियाँ लाए, अम्ब्रेला की तरह उसे रखा, चबाया, थूका, उसमें से वो निकाला और फिर आप उसको यूज़ कर सकते, विच इज़ द फूड ऑफ एंट्स। Then there are ants that domesticate cows. अब ऐसे भी ants हैं, ये तो आपको पता चल गया farming करते हैं, दूसरा ऐसी ants भी हैं जो domesticate करती, domesticate मतलब क्या है, उन्होंने पालतू बना लिया है cows, गायें, original गायें नहीं, दूसरी गायें, and milk them, और उनका दूध निकालते हैं। What we have called cow, अब हमने जो cow जिसको बोला है वो क्या है, green fly, एक प्रकार का मच्छर, एक insect होता है, green fly बोलते हैं उसको।
दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स, ये किसके ऊपर होता है, ये गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर होता है। एंड लीव्स ऑफ बीन्स, और जो बीन्स होते हैं, हम जो बीन्स, जो भी हम बीन खाते हैं, सोयाबीन है या जो भी ग्वार फली है, जो भी फलियाँ जो भी होती है, उन बीन्स की पत्तियों के ऊपर ये मिलता है हमको। तो दे गिव अप अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड, और वो उसके अंदर से, उनके जो थन है उसमें से निकलता है स्वीट हनी लाइक, मीठा मीठा सा हनी जैसा लिक्विड निकलता है, विच द एंट्स रेलिश अलॉट, जो एंट्स को बहुत ही पसंद आता है। रेलिश मतलब वो मजा लेती है उसका। सो द एंट्स टेक दीज ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट एंड कीप देम देयर, वो एंट्स इन ग्रीन फ्लाइज को पकड़ लेती है और इनको लेके जाती है अपने नेस्ट में, एंड कीप देम देयर, अपने बंदी बना लेती है, इसको लेकर जाती है, एंड दे फीड, और उनको खिलाती है, दे फीड देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, कोई और उनके जो एनिमीज हैं वो उन्हें न मार डाले, तो उसका ध्यान रखती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको अच्छे तरीके से खाना खिलाती है। मतलब कैसे अपन गाय की सेवा करते हैं, उसको बांध के रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते, पर हरा चारा सूखा चारा उसका ध्यान रखते हैं, उसको मालिश करते हैं उसकी, तो ऐसे उसका ध्यान रखती है। एंड दे मिल्क देम, और फिर उसका मिल्क निकालती है, प्रेसिंग देयर साइड्स, उनकी जो साइड्स होती है उसे साइड्स को जेंटली प्रेस करती है, एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, और उसमें से फिर उनके थनों में से हनी निकल जाता है, जब हनी निकलता है तो वो उसको पी लेती है, यानी कि एक प्रकार का एक गाय का सिस्टम इन्होंने पाल रखा है। इनके हिसाब से जो गाय है तो वो गाय आपको मीठा दूध देती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, तो वो वैसा का वैसा ही जो प्रोस्पेक्टस है वो ये खुद कर लेते हैं। प्रेसिंग देयर साइड जेंटली एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, और उसकी उसमें से उनका हनी निकाल लेती है। एंट्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, एंट्स के बारे में जैसा हमको बोला गया है वो गेम्स भी खेलती हैं जैसे ह्यूमंस खेलते हैं। नर्स देयर सिक, जो एंट बीमार हो चुकी है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी तबीयत ख़राब है, किसी प्रकार का तकलीफ है उसे, तो उसको नर्स भी करती है, मतलब उसका ध्यान रखती है, उनके आपास में रहते हैं, उनको जो भी खाने को पहुंचाते हैं, उनको पानी पहुंचाता है कि वो अपना ध्यान रखे और वो मरे नहीं। एंड बेरी देयर डेड, और जो मर जाते हैं उसको दफनाते भी वहाँ, छोड़ नहीं देते हैं, उसको वो ले जाके दफनाते हैं। तो ये सारी की सारी दफनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सम्मान है उनके आपस में। नर्स मतलब एक दूसरे के प्रति कंपैशन है, कंपैशन का मतलब गर्मजोशी, एक दूसरे के प्रति प्यार है। गेम भी खेलते हैं तो वो इन्जॉयमेंट भी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये सारी चीज़ें, दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, सबसे बड़ी बात वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी कॉलोनी में है, जो भी उस कॉलोनी में रहता है, वो अपना शेयर ऑफ वर्क करे, उसको जो भी काम सौंपा गया है तो वो काम करे। हम अब जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, तो अभी हमारे को एज ए सोसाइटी के एक पार्ट की तरह हमको क्या करना चाहिए, कम से कम हमको टैक्स पे करना चाहिए टाइम पे। जब हम टैक्स पे करेंगे तो सोसाइटी आगे अपलिफ्ट हो जाएगी और आगे बढ़ेगी, पर हम 90.9% हम लोग ये काम नहीं करते, टैक्सेस की चोरी करते हैं, इवेसिवनेस है हम लोगों के अंदर, टैक्स हम कम भरते हैं नहीं भरते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती है। और फिर सोसाइटी से मांगते बहुत ज़्यादा है, हमको ये चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छी रोड लाइट चाहिए, अच्छी सिस्टम सारे अच्छे होने चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए हमको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पर रोड एकदम क्लीन होनी चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो सोसाइटी भी, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करने वाली है, तो वो चीज़ें यहाँ पे, तो ये इस बात को कन्फर्म करते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से जो भी हमारी सोसाइटी में इंसान रहता है उसे एक काम करना पड़ेगा, जो भी काम उसे दिया गया उस काम को वो बिना तकलीफ बिना देर के वो काम पूरा करे, ठीक है। शेयर ऑफ वर्क एंड दैट नो वन इज अलाउड टू बी इंडोलेंट, किसी को भी आइडल होने का वर्क नहीं है, कोई भी भटकता रहे अपने रास्ते में घूमता रहे वो अनुमति किसी को भी नहीं है कि भाई हाँ भाई तुम मौज करो, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो फकीर बन गया हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा, वो नहीं, उसको वहाँ पे काम जो भी काम दिया गया उसको करना ही पड़ेगा, ये मेक श्योर करवाते हैं। ऑल दिस सजेस्ट दैट एंट हैव ए हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस, इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि एंट्स के अंदर, कीड़ों के अंदर हाईली डेवलप्ड, बहुत ऊँचे लेवल का विकसित हो चुका सोशल सेंस, सामाजिक व्यवहार करने का सेंस है उनके अंदर, सामाजिक बौद्धिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो ऐसा ज्ञान कि जो समाज को समझता है, सोशल सेंस है उसके अंदर, परहैप्स सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसा भी लगता है कि उनके पास एक गवर्नमेंट का सेंस भी, सरकार भी चलाते हैं वो, क्योंकि राजशाही वहाँ पे भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको समझने के लिए और ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा एंट्स किस प्रकार की सोसाइटी बनाते हैं, उनकी कॉलोनी, उसको कॉलोनी बोलते हैं, उस कॉलोनी के अंदर ही वो लोग रहते हैं। देयर आर एंट्स दैट कीप अदर एंट्स एज स्लेव, ऐसे भी एंट हैं जो दूसरे एंट्स को स्लेव की तरह रखते हैं, स्लेव की तरह मतलब बंदी बना के, बंधक बना के, अपना गुलाम बना के रखते हैं।
वन सब रच टाइप इज अ पावरफुल रेड एंट। अब एक लाल कलर की एंट होती है पावरफुल, बहुत तगड़ी, क्यों, उसका डंक बहुत तगड़ा होता है इसलिए उसको तगड़ा बोला जाता है। पावरफुल रेड एंट विच इज फाउंड इन यूरोप, यूरोप के अंदर एक एंट पाई जाती है, रेड एंट बोलते हैं। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम द टाइप ऑफ ब्लैक एंट, वो काले कलर के जो कीड़े होते हैं उनको वो अपना बंदी बना लेते हैं, उनको अपना सेवक बना लेते हैं, और विच इज सिमिल स्मॉलर इन साइज, जो कि उनकी साइज से थोड़े छोटे होते हैं, ये रेड वाले थोड़े बड़े होते हैं, उनकी साइज से छोटे जो ब्लैक एंट्स होते हैं उनको अपना सेवक बना लेते हैं, नहीं तो उनको मार डालेंगे ऐसा बोलते हैं। व्हेन द रेड एंट्स वांट स्लेव्स, जब उनको स्लेव्स चाहिए होते हैं भैया उनका काम करवाने के लिए, खुद तो वो करते ही मजबूत होते हैं पर साथ में और एक्स्ट्रा काम कराने के लिए सेवक, सेवकों की जरूरत है, तो वो उनको उठा के लेके जाएं, उनका सामान उठाएं, तो उनको बंदी बना के उनसे काम करवाते हैं। विच इज स्मॉलर इन साइज, जब उनको रेड एंट्स को जब सेवक, सेवकों की जरूरत पड़ती है, स्लेव्स की जरूरत पड़ती है, दे एम्बुश, वो हमला करते हैं, एकदम एम्बुश करते हैं, अटैक करते हैं द नेस्ट ऑफ द ब्लैक एंट्स, ब्लैक एंट्स का जो उनका नेस्ट होता है, उनकी जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर हमला करते हैं। एंड अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब किडनैप कर लेते हैं, अबडक्ट सम ऑफ देयर एग्स, उनके अंडों को उठा लेते हैं, अंडों को किडनैप करते हैं, ब्लैक एंट्स को नहीं, उनके अंडों को उठा लेते हैं। व्हेन दीज एग्स हैच इन द रेड एंट्स नेस्ट, और उनको लेके जाते हैं अपनी कॉलोनी में, और वो जब अंडे हैच हो जाते हैं, हैच मतलब अंडों में से, अंडे परिपक्व होकर उसमें से जब ब्लैक एंट्स निकलते हैं, जो वो अपने कॉलोनी में लेकर गए थे, जब ले आते हैं, द ब्लैक एंट्स विच कम आउट आर ट्रीटेड एज स्लेव्स, उसमें से जो काले कलर के कीड़े निकलते हैं उनको पैदा होते ही किस में समझा जाता है, उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता है, भाई अब तुम हमारे स्लेव्स हो, तुमको तुम्हारा कोई घर परिवार माता पिता नहीं है। फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ओबे, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि तुम हमारी बात मानोगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उनकी जान ले ली जाएगी, तो छोटे होते तब से बोले तुम पैदा इसलिए हो कि तुम हमारी सेवा करो। दे आर कंपेल्ड, उनको फोर्स किया जाता है, कंपल्सरी से वर्ड आया कंपेल्ड, कंपेल्ड टू ड्रजरी, ड्रजरी मतलब कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम के लिए उनको फोर्स किया जाता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो बंदी है, जो किसी का गुलाम है, गुलाम के लिए तो कोई जिंदगी ही नहीं है, ठीक है, तो गुलाम को तो मर जाए तो भी वो काम करते रहना। ड्रजरी, दे हैव इवन टू कैरी अबाउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैक्स, उनको अपने मास्टर्स को, जो उनके मालिक है, उसको अपनी पीठ पर लाद के चलाना पड़ता है, मालिक आराम से बैठा रहेगा, रेड एंट और ब्लैक एंट उनको घसीटते हुए धीरे 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 लेके जाते हैं। मास्टर अपने बैंक, हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, ऐसा, अब यहाँ पे जो राइटर है उसने बोला हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, इंसान भी ऐसा ही करते हैं, इंसान भी देखो ना, कई रिक्शा चालक होते हैं तो बहुत, और अब दो पीछे पीछे मोटे मोटे लोग बैठे, रिक्शा चालक बेचारा धीरे धीरे कर रहा है, वो सेवा के गुलाम है, उसको पैसा कमाना है तो वो कर रहा है। कई लोग अपने यहाँ करते हैं, बड़े बड़े घरों के अंदर नौकर रखे होते हैं हम लोगों ने, हम हिलते भी नहीं, वो नौकर आके मालिश करता है, सर दबाता है, वो आपके लिए पानी का गिलास लेकर आता, आप हिलते भी नहीं, ठीक है, ड्राइवर्स रखे हुए वो गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जानवरों को भी रखते हैं, तो वैसे इंसानों को भी हम रखते हैं। ये द मोस्ट फेरोशियस काइंड, फेरोशियस मतलब सबसे दुर्दांत, सबसे खतरनाक काइंड के एंट्स आर द ड्राइवर एंट्स ऑफ अफ्रीका, उनको ड्राइवर एंट्स बोला गया है, अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका की जो प्रजाति है फेरोशियस काइंड की है, वो ड्राइवर एंट्स की है। अभी तक देखो हमको रेड एंट के बारे में पता चला, ठीक है, फिर फार्मर एंट्स भी हैं हमारे पास, और ये ड्राइवर एंट्स है, दे हैव नो फिक्स्ड होम, उनका कोई घर नहीं होता, वो बस घूमती रहती, कॉलोनी नहीं होती, वो जहाँ जगह मिले वहाँ पे अपना एरिया बना लेते हैं। बट आर ऑलवेज ऑन द मूव, वो हर पल चलती ही रहती है, क्यों चलती है, क्योंकि वो दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो अंधी होती है, उनको दिखता नहीं है। बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी लाइन्स में एक दूसरे का टच, एक दूसरे के पैरों को टच करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वो लंबी लंबी, ठीक है, मैनी मिलियंस अलोंग, एक साथ में करोड़ों एक साथ में चलती है, ठीक है। एंड दे डिवोर, वो चबा जाती है, खा जाती है, गायब कर देती है एनी एनिमल, बड़े से बड़ा जानवर जो उनकी लाइन में आ गया, एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ, उनके रस्ते के अंदर जो भी जानवर आता है उसे वो पूरा का पूरा चबा डालेंगे। अब हाथी गिरा हुआ है तो वो उसको चबा डालेंगे, कोई पूछेंगे भी नहीं भाई हाथी था नहीं था, वो मिलियंस मिलियंस एंट्स होती है। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम, टाइगर, बड़े बड़े टाइगर्स उनसे डरते हैं, एलिफेंट्स उनसे डरते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि टाइगर और एलिफेंट भी उनसे घबराते हैं, तो क्योंकि उनको पता है अगर ये आ गई तो वो तो उनको छोड़ेंगी नहीं और एक साथ ही सब हमला कर देंगी। ऑफ्टन इफ अ पाइथन अनेबल टू मूव, अब आपने कई बार देखा हो अजगर जो होता है, कई बार पाइथन जो होता है अनेबल टू मूव, वो कुछ खा लेता है तो वो हिल नहीं पाता है, वो एक साथ में ये करता है, फिर 7-8 दिन तक उसके जो बॉडी के एसिड है वो उस खाने को गलाते हैं धीरे धीरे, तब तक वो हिलता नहीं, वो पड़ा रहता है। ऑफ्टन इफ द पाइथन अनेबल टू मूव आफ्टर स्वेलोइंग हिज डिनर, अपना डिनर खाने के बाद
वो खाता नहीं, आपने देखा ना, वो निगलता है, निगलने के बाद धीरे धीरे उसको पचाता है। स्वेलिंग इज डिनर हैपन्स टू बी इन द पाथ ऑफ मार्चिंग लाइन्स। अगर वो उन मार्चिंग लाइन्स की रस्ते के बीच में आ गया जहाँ से वो गुजर, क्योंकि वो तो ब्लाइंड होती है, उनको तो कोई रास्ता नहीं, वो तो निकल ही रही है, कंप्लीटली ब्लाइंड ऑन द मार्चिंग लाइन्स, दे देन दीज क्रीचर्स ईट बोथ द पाइथन एंड द एनिमल इन स्टमक। अब उसने पाइथन ने बड़ा सा हिरण खाया हुआ है तो भी वो सीधा जाकर क्या करेंगी, उसको भी, पाइथन को भी चबा जाएंगी और उसके एंड अंदर के जो पेट का जो जानवर है उसे भी वो गायब कर देंगी। द विलेजर्स ऑफ अफ्रीका टेल स्टोरीज अबाउट बेबीज हु हैव बीन बी ईटन बाय एंट्स एंड दीज स्टोरीज मे वेल बी ट्रू। अब जो अफ्रीका के जो जो लोग हैं, जो वहाँ के एरिया में रहते हैं अफ्रीका में, वो ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं ऐसे जानवरों की, ऐसे बेबीज़ की, ऐसे बच्चों की कहानी सुनाते हैं, हु हैव बीन ईटन बाय एंट्स, कि वो सो रहे थे और वो ये रातों रात वो बेबीज़ को 15-20 मिनट के अंदर वो चबा के खा के निकल गया भैया, ठीक है। तो ये क्या सच भी हो सकती है, दी स्टोरी मे वेल बी ट्रू, ये सत्य हो सकती है, क्योंकि हाथियों को खाते देखा है, पाइथन को खाते देखा है, तो इसको खाने में तो कहाँ खा ही सकते हैं। व्हेन द आर्मी ऑफ द ड्राइवर एंट्स एंटर्स अ हाउस, कई ऐसे वहाँ के अफ्रीकन लोग बताते हैं, जब इनकी आर्मी निकलती है पूरी ऑफ द ड्राइवर एंट्स एंटर्स द हाउस, किसी के घर में घुस जाती हैं, द पीपल फ्ली, लोग वहाँ से भाग जाते हैं, इन टू द फॉरेस्ट, जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, एंड स्टे देयर अनटिल द एंट्स हैव पास्ड, जब तक एंट्स निकल नहीं जाती उस एरिया में से तब तक वो वहीं पर जंगलों के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो एंट्स इतना घबराते हैं, वो किसी को भी मार सकती है। व्हेन द पीपल कम बैक, जब लोग वापस लौटते हैं, दे फाइंड दैट एवरी इंसेक्ट एंड स्पाइडर इन द हाउस हैज बीन क्लियर्ड अवे, और जब वापस लौटते हैं तो उनको दिखता है कि पूरे घर में से जो भी इंसेक्ट, छोटे से छोटा कीड़ा, जानवर, मक्खी, मच्छर, स्पाइडर जो भी था, उसे गायब कर दिया गया, क्लियर्ड अवे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, एंड्स हमको टीम वर्क के बारे में बताता है कि हमको अपनी टीम के साथ कैसा काम करना है। देखो, फार्मिंग करते हैं ये लोग। अब हम फिर से क्वेश्चनेयर की तरफ चले जाते हैं, तुमको आइडिया आ जाए। एंड्स आर टाइनी एंड वीक क्रीचर, टाइनी है पर वीक नहीं है, पहली बात। एंड्स वर्क एज क्राउड नॉट एज अ टीम, नहीं ऐसा नहीं, वो टीम की तरह ही काम करते हैं। दे आर हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट, नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि हार्मलेस तो नहीं है और नॉन वायलेंट भी नहीं है। वो अपना लोगों को जान से मार देती है, हाथी को भी मार सकती है, बच्चों को खा लेते हैं, अजगर को खा लेती है, तो हार्मलेस नॉन वायलेंट भी नहीं है। दे हैव टू कलेक्ट फूड, यस दे हैव टू कलेक्ट फूड, उनको भोजन कलेक्ट करना है। दे कैन नॉट ग्रो फूड लाइक फार्मर्स, नहीं ऐसा नहीं है, वो फूड वो पत्तियों को लेके जाते हैं, अम्ब्रेला की तरह रखते हैं, च्यू करते हैं, उसका बेड बनाते हैं, उसमें से फंगस उगती है, उसको वो खाते हैं, ये फार्मिंग करते हैं। एंट्स कैन ईट अ ह्यूज एलिफेंट्स इन फ्यू मिनट्स, यस पॉसिबल है, आपने देखा है, इसके बारे में बात हो चुकी है। एंट्स आर फूड फॉर अदर क्रीचर्स, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आर्माडिलो एक जानवर है, वो खाता है, बहुत सारे जानवर हैं जो खाते हैं, जो उनकी वो उस जानवर को खाते हैं। एंट्स आर हंटर्स, बिल्कुल वो हंटर्स हैं। एंट्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट रूल ओवर अदर क्रीचर्स, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो दूसरे जानवरों को स्लेव्स बना के अपने साथ उनको ड्रजरी करवाते हैं, उनसे मेहनत करवाते हैं, गुलामी करवाते हैं। एंट्स हैव अ सोशल लाइफ लाइक ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सच बात है, वो ह्यूमन बींग्स के बारे में कि जैसे ही वो अपना जीवन जीते हैं और वैसा ही वो अपनी लाइफ के अंदर ह्यूमंस की तरह ही रहते हैं। अब ह्यूमंस एंट्स की तरह रहते हैं, एंट्स ह्यूमंस की तरह रहते हैं, ये आप डिसाइड करो, पर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हमको आइडिया आ गया कि एंट्स किस प्रकार के जानवर हैं, और एंट्स के बारे में बहुत अमेजिंग चीज़ें हमको जानने को मिली। इसके बारे में और थोड़ा सर्च कीजिएगा, मैं एक वीडियो भी अटैच करूँगा, तो आपको मज़ा आएगा उसके बारे में ज़्यादा जान के। और एंट्स टीम, एंट्स इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, हमको इनसे टीम वर्क, पॉजिटिविटी लर्न करनी है, और कुछ भी लर्न नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और एंड्स हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये हमने ओवर कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर रीड नंबर 1 था, अब जो रीड नंबर 2 है उसकी तरफ भी हम जाएंगे। नो मैन ऑफ फॉरेन, बहुत ही बढ़िया, जेम्स कर्कअप, नो मैन ऑफ फॉरेन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 10th के अंदर भी आती थी, CBSE के अंदर बहुत अच्छी फॉर्म है, ये बहुत बार आती है, नो मैन ऑफ फॉरेन। जेम्स कर्कअप ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कोई भी इंसान जीवन के अंदर जो भी हम जीते हैं, वो कोई इंसान अलग नहीं है, वो सब हम लोग एक ही हैं, सब आपस के अंदर, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवता से भरी हुई पोम है, इसे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।